हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है उसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में 4 लेक्चर देख चुके हैं, ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो व्हीट स्टोन से, मीटर से और विभवमापी जो कि पोटेंशियोमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हीट स्टोन से तो क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किरचाफ के नियम पढ़े थे और किरचाफ के नियम का यूज करके इस व्हीट स्टोन सेतु से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हीट स्टोन सेतु है क्या। ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये व्हीट स्टोन सेतु क्या है? व्हीट स्टोन सेतु जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हीट स्टोन सेतु है। यहाँ पर ये व्हीट स्टोन सेतु है। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखें तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसके सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या सुना आपने? व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा निकाय है जिसके सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे Q2 बना लेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये व्हीट स्टोन सेतु है। आपने सुना कि व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसका खोज C.F. व्हीट स्टोन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस युक्ति को क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। अब इस व्हीट स्टोन सेतु में ध्यान से देखिए इसकी रचना क्या है। रचना के लिए क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाया जाता है ABCD। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं प्रतिरोधों को प्रदर्शित करती है। देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं। देखिए पी क्यू आर और एस प्रतिरोध लगे हुए हैं और इसमें क्या होता है, इसके एक विकर्ण में एक धारा मापी और एक कुंजी लगा होता है और दूसरे विकर्ण देखिए एसी में एक सेल है या बैटरी है और क्या है, एक और कुंजी लगी हुई है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ध्यान से देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु जो होता है एक चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा 4 प्रतिरोधों को प्रदर्शित करके बनाया जाता है और इसके एक विकर्ण में, मान लीजिए इस बीडी में एक धारा मापी और एक कुंजी K2 है और दूसरे विकर्ण एसी में एक सेल या बैटरी या सेल बैटरी या तथा एक दूसरा कुंजी K1 लगा होता है। इसको हम K1 K2 कहा जा सकता है। तो ये हम क्या है, इस व्हीट स्टोन सेतु का एक संरचना है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है ये हमको देखना है। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु का। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति होती है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इस कुंजी को बंद करेंगे अर्थात इस परिपथ को पूर्ण करेंगे, यहाँ से धारा निकलना प्रारंभ होता है। ये धारा यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, इस बिंदुए पर 2 भागों में I1 और I2 में बट गया। I1 धारा इस भाग इस प्रतिरोध P में और I2 धारा इस प्रतिरोध Q में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन प्रतिरोधों को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं कि K2 को दबाने पर धारा मापी की सुई में कोई भी छेप ना हो। K2 दबाने पर धारा मापी में कोई भी छेप ना हो तो इस BC यानी प्रतिरोध Q में वही धारा प्रवाहित होती है जो कि P में बह रही है, अर्थात इसमें भी I1 धारा प्रवाहित होती है और इस DC अर्थात प्रतिरोध S में वही धारा प्रवाहित होती है जो I2 में होती है। तो अगर हम कुंजी K2 को दबाएं और धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो इस स्थिति में जो सेतु होता है वो संतुलन की अवस्था में कहलाता है या कहा जाता है। और संतुलन की अवस्था में होता क्या है, चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या सुना आपने, चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। उसको आपको यहां से दर्शाया गया, देखिए P/Q संलग्न मतलब जिसमें सेम धारा बहती हो, ये संलग्न भुजाएं।
ये दोनों क्या है संलग्न, ये भी इसके संलग्न है, ये भी क्या है इसके संलग्न है। देखिए P अपान क्यू इक्वल्स R अपान S, या इसी को हम P अपान R इक्वल्स Q अपान S भी लिख सकते हैं। तो जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यही क्या है सेतु के संतुलन की स्थिति है, या ऐसे कह सकते हैं संतुलन का या सेतु का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का ये हम सिद्धांत कह सकते हैं या मान सकते हैं। अगर आपको इसे बस इस टॉपिक को याद रखेंगे, इसका जो मेन पोर्शन है कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसमें P by Q equals R by S या P by R equals Q by S होता है। तो ये है सेतु के संतुलन की स्थिति। अब आप देख सकते हैं कि P और Q अगर फिक्स है तो R को बदल करके हम X का मान S का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने क्या सुना कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से P और Q ये दोनों ज्ञात रहेंगे और ये भी ज्ञात रहेगा, तो हम आसानी से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान इस सिद्धांत के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु था। इस चीज़ को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। ध्यान से देखिए, हमने किरचॉफ के नियम पढ़े हैं, इसमें देखिए इसमें धारा जीरो है, संतुलन की अवस्था में क्या है धारा जीरो है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में बंद खंड या बंद पास लिख सकते हैं ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ध्यान से देखिए इस खंड में एक खंड ये है और दूसरा खंड ये है, हम क्या करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। देखिए आई वन इंटू पी धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, तो देखिए ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा धनात्मक और विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा ऋणात्मक। तो यहाँ पर आइए इसमें इसका प्रतिरोध अगर जी मान लेते हैं, चूंकि इसमें कोई धारा नहीं है तो जीरो हो जाएगा और I2 R इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान से देखिए इसमें ऐसे 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 जाना है तो ये I1 P1 I2 R, तो I1 की दिशा में है तो प्लस होगा और I2 इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं इसलिए क्या होगा माइनस होगा, और इसमें कोई सेल इस खंड में कोई सेल कहीं नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा जीरो। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 P इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 R हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए इसी प्रकार हम चल सकते हैं, देखिए इसी प्रकार दूसरा देखिए बंद पास कौन सा है B C D B में, फिर हम क्या करेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दूसरे नियम से चलेंगे तो क्या होगा देखो I1Q धारा की दिशा में है, धारा इधर जा रहा है और हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा I2S equals zero, इसमें भी कोई सेल नहीं है तो क्या हो जाएगा I1Q equal to I2S, this is equation number 2 और ये हमारा हो जाएगा equation number 1 और इसको हम बना सकते हैं equation number 2। अब हम कर सकते हैं समीकरण एक और दो से, समीकरण एक दो भागा या एक भागा दो हम कर लें एक भागा दो से, तो देखिए ये हमारे पास एक है क्या लिखा जा सकता है उसको I1 P अपान I1 यहाँ पर क्या है Q है इक्वल्स, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है I2 R अपान I2 S। तो देखिए I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ये हमारा क्या है ये हमारा एक्सप्रेशन है।
देखिए, तो जो हमने यहाँ पर माना, जो बताया था संतुलन की अवस्था के लिए, उस बात को क्या किया हमने, यहाँ प्रूफ कर लिया। तो इसकी प्रूफ को हम इम्पोर्टेंट ना भी माने तो भी ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु का। अब व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम आगे पढ़ेंगे मीटर सेतु, जिसमें व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर सेतु हमारा अगला टॉपिक होगा, ध्यान से देखेंगे। मीटर सेतु जो है, इसमें क्या होता है, ये मीटर पैमाना है, ये हमारा मीटर पैमाना है, ये मीटर पैमाना है हमारा। इसमें बिंदु A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। इसके साथ क्या होता है, एक प्रतिरोधक बॉक्स जोड़ देते हैं, ये प्रतिरोध बॉक्स हो जाएगा ऐसे। और इसमें क्या करते हैं, हम जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको जोड़ देते हैं। और इसके साथ एक धारा मापी लगा हुआ है, एक संट युक्त धारा मापी जोड़ देते हैं। ये क्या है आपका, संट। ये हो जाएगा हमारा। देखिए, ये व्हीटस्टोन सेतु का, ये मीटर ब्रिज का एक साधारण सा फिगर है। इसमें आप ऐसे देखें बैटरी या सेल, और फिर हम इसमें जोड़ देंगे धारा नियंत्रक, और यहां पर रहता है, देखिए ये कुंजी हो जाएगा, ये हमारा धारा नियंत्रक है, और ये हो गया V1। ये यहां से यहां तक को हम P मान लेते हैं, यहां से यहां तक को Q मान लेते हैं, ये हमारा R है और ये हमारा S है। तो ये मीटर ब्रिज का एक चित्र है हमारे सामने। देखिए, मीटर ब्रिज पूरी तरह से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, जिसमें क्या होता है, देखिए एक मीटर लंबा ये हमारा जो AC है, AC एक मीटर लंबा तार, एक मीटर लंबा क्या है, तार। AC एक मीटर लंबा एक मिश्र धातु जैसे मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार होता है, जो कि जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हर जगह पे एक समान होता है। ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है, ये अज्ञात प्रतिरोध है जिसको हम क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, ये अज्ञात प्रतिरोध। ठीक, तो देखिए मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा युक्ति है, जिसके सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध मतलब मुख्य रूप से हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, परंतु इसके जरिए हम सबसे पहले उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं।
तो मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा निकाय है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसकी सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली, या हम इसको समझ लें, सबसे पहले इस प्रकार से हम उस परपथ को बनाते हैं। देख रहा होगा आपको एसी जो है 1 मीटर लंबा एक मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का तार है। ये संयुक्त धारा मापी है, अज्ञात प्रतिरोध है, और ये आपका क्या है, ये प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं इसको, प्रतिरोध बॉक्स है ये। अब ये जो हमारा दिख रहा है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये विसर्पी कुंजी है, जिसको हम जॉकी भी कह सकते हैं। विसर्पी कुंजी को क्या कह सकते हैं, जॉकी भी कहा जा सकता है। होता क्या है, हमको ये देखना है, जैसे हम इस परिपथ को कंप्लीट करते हैं, मतलब पूर्ण करते हैं, और यहाँ पर जो कुंजी है हम इसको दबाते हैं अगर, तो क्या होता है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। सबसे पहले हम इस परिपथ के पूर्ण होने की जांच करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जॉकी को पहले सिरे ए के समीप सटाते हैं और फिर सिरे सी के समीप सटाते हैं। देखते क्या है, इस बिंदु को हम भी बना सकते हैं, देखते क्या है कि ए के समीप अगर हम उसको स्पर्श करा रहे हैं तो विक्षेप किसी एक दिशा में होना चाहिए, और जब सी के समीप हम स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप दूसरे दिशा में। मान लीजिए ए के समीप हमने स्पर्श कराया तो धारा मापी अगर इस दिशा में विक्षेपित हुई तो सी के समीप क्या होगा, इस दिशा में। अगर ऐसा होता है तो ये परिपथ क्या है, कंप्लीट होता है, पूर्ण माना जाता है। इस स्थिति में अर्थात अगर एक बार धारा मापी इस दिशा में विक्षेपित हुई, दूसरी बार इस दिशा में, तो निश्चित ही इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु होता है जो कि जहां पर धारामापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, और जहां पर धारामापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है उसी जगह को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था में होता क्या है कि जो बिंदु बी है, मान लीजिए कि इस बी वाले बिंदु पर स्पर्श कराने पर, इस बी वाले बिंदु पर स्पर्श कराया जाए तो क्या होता है, ये संतुलन की अवस्था मिल जाती है या धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो ये जो पूरे तार की लंबाई है वो प्रतिरोध के अनुसार दो भागों में बंट जाती है, प्रतिरोध के अनुसार दो भागों में बंट जाती है। यहाँ पर क्या है, एक भाग को हमने मान लिया है पी क्यू, पी मान लिया है, और दूसरे भाग को हमने मान लिया है क्यू। ये पी और क्यू बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु की जो पी और क्यू थे वही है। यहाँ पर देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसको करने के लिए हम इस प्रतिरोध बॉक्स में से 1 ओम 2 ओम या 3 ओम का प्रतिरोध निकाले रहते हैं जो कि आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी सेतु के संतुलन की अवस्था में क्या होता है, देखिए सेतु के संतुलन की अवस्था में यहाँ पर देखिए इस एबी भाग का जो प्रतिरोध होता है, एबी भाग का प्रतिरोध ऐसे लिख सकते हैं आर ए बी, एबी भाग का जो प्रतिरोध होता है रो इंटू एल अपान कितना हो जाता है, कैपिटल ए मान, स्मॉल ए मान लीजिए जो कि क्षेत्रफल है। प्रतिरोध का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे आर बराबर होता है ना रो इंटू एल बाई ए, ऐसे कैपिटल में प्रतिरोध का इसी के अकॉर्डिंग ये सेतु के संतुलन की अवस्था में ए बी भाग का प्रतिरोध है। इसी तरह से इसको हमने क्या मान लिया है, पी मान लिया है जो कि रो एल बाई पी आ गया। अब हम इस भाग बी सी भाग का प्रतिरोध लिखे हैं, यहाँ पर बी सी भाग का प्रतिरोध देखिए, बी सी भाग का जो प्रतिरोध होता है उसको हम आर बी सी से डिनोट कर सकते हैं, और ये भी रो देखिए वहां पर 100 - L अपान ए है, स्मॉल ए हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम किससे डिनोट कर लें, क्यू से, तो कितना हुआ 100 - L अपान ए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम पी और क्यू का रेशियो निकालें, देयरफॉर लिख सकते हैं पी बाय क्यू इक्वल्स, हमको क्या रिजल्ट मिलना है, देखिए रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल मिल जाएगा, हो जाएगा तो एल अपान 100 - क्या एल, ये किसमें है, ये जो हमको दिख रहा है ये सेंटीमीटर में है, किसमें है ये सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 1 मीटर लंबा तार होता है इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू,
अब आपको पता है कि वी टू स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में जो संलग्न भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस से। ध्यान से देखिए P बाई क्यू के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L अपान 100 माइनस L इक्वल्स R अपान S। अब यहाँ से S की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितना मिल रहा है हमको, ये इधर ये उधर जाएगा तो R इंटू 100 माइनस L अपान L। ये है अज्ञात प्रतिरोध का माप। ये जो तार हमने ले रखा है, इस तार का प्रतिरोध इससे निकल जाता है। ये दोनों दूरियां हैं जो कि मीटर पैमाने पर पढ़ ली जाती है, दिख रहा है ये मीटर पैमाना है। इस मीटर पैमाने पर हम इस दूरी को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं मीटर पैमाना, इस मीटर पैमाने पर पढ़ लेते हैं। आज हमको पता ही रहता है कि कितने ओम का हमने प्रतिरोध निकाला, उस सहायता से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इस अज्ञात एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, उस विशिष्ट प्रतिरोध के फार्मूले रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल का इस्तेमाल करके हम उसका मान निकाल लेते हैं। तो ए क्या होता है, इस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहाँ आर जो है ये निकला हुआ एस है और एल जो है उस तार की लंबाई है। तो इस तरह से हम इस किसी तार का तार के विशिष्ट प्रतिरोध को मीटर सेतु के सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को ध्यान देंगे आप। अगर हम S और R की स्थितियों को बदल दें तो संतुलन बिंदु की स्थिति बदल जाती है। जैसे मान लो कि इधर से अगर 30 सेमी पर संतुलन की अवस्था मिली है और S और R की स्थितियां बदल दें तो इधर से 30 सेमी अर्थात यहाँ से 70 सेमी पर वो प्राप्त हो जाएगा। तो S और R को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो संतुलन बिंदु जो होता है अपना स्थान बदल देता है। मतलब अगर A से 30 सेमी की दूरी पर है तो वह C से 30 सेमी हो जाएगा अर्थात A से 70 हो जाएगा। तो ये होता है इसमें परिवर्तन। अब हम देखेंगे विभव मापी। विभव मापी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए विभव मापी, इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। विभव मापी क्या होता है, सबसे पहले देखिए विभव मापी जो होता है किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक उपकरण होता है। यानी विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं या सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं इस युक्ति के सहायता से। ध्यान देंगे इस बात का, विभवमापी ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में माप सकते हैं या उसका मापन कर सकते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए इसको हम लिख देते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए विभवमापी का सिद्धांत, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, है कि किसी तार के किसी भाग का विभवांतर, यहां भाग मतलब खंड हो सकता है, विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी तार के किसी भाग का विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात v प्रोपोर्शनल टू L, जहां L उस खंड का विभवांतर लंबाई है जिसके हम विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। यहां से जब हम v को हटाते हैं
तो एक कांस्टेंट आता है के एल। यहाँ पर के क्या कहलाता है, देखेंगे के जो होता है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता, यानी विभव में पतन की दर है। ये क्या है, विभव में पतन, पोटेंशियल ड्रॉप का रेट है विभव पतन का दर, इसको के से हम डिनोट करते हैं, जहां ये के जो है विभव प्रवणता है। ठीक है, अब ये विभव प्रवणता की क्या परिभाषा है, मतलब जैसे यहां पर अगर हमने कोई चालक तार ले रखा है और यहां पर अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराए, तो इधर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव क्या होता है, घटता जाता है। तो समझ लीजिए कि तार में जो होता है लंबाई के अनुदेश विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव पतन का दर जो होता है वो विभव प्रवणता कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, देखिए किसी चालक तार में, चालक तार में लंबाई के अनुदेश विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यानी विभव मापी का रिलेशन इस विभव प्रवणता से है। विभव प्रवणता जो होता है किसी चालक तार में लंबाई के अनुदेश विभव पतन का दर होता है। तो ये था विभव मापी का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसके सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसकी हम रचना करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम इसकी रचना कर लेते हैं, विभव मापी का रचना, ये मिट गया है रचना। देखिए यहां पर हम एक बैटरी ले लेंगे, ओके, फिर हम यहां धारा नियंत्रक ले लेंगे और यहां पर हम सेल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा तार, ये है तार जिसको हम एसी से डिनोट कर सकते हैं, यहां पर ऐसे ये तीन पॉइंट्स हैं, इसको हम J1 J2 कह सकते हैं, ये हमारा B1 है, ये सेल है और ये हमारा धारा नियंत्रक हो जाएगा इस तरह से, और ये एक कुंजी हो जाएगा। देखिए A और C, सेतु के संतुलन की अवस्था का प्रयोग किया जाता है इस विभवमापी में। देखिए विभवमापी दिख रहा होगा आपको कि इसमें भी एक मीटर लंबा एक तार है। वास्तव में विभवमापी में 4 से लेकर लगभग 12 मीटर लंबे तार होते हैं जिनको काट काट करके क्या किया जाता है, एक एक मीटर का बनाकर उनको कापर की पट्टी से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, देखिए ऐसे होते हैं कई टुकड़ों में, 4 से लेकर 12 टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसको कापर स्ट्रिप से इस प्रकार के जोड़ दिया जाता है। देखिए ये मान लीजिए कि तार का सिरा ए है और ये तार का सिरा सी है, तो ये इसका वास्तविक संरचना है, लेकिन हम इसका एक आउटलुक यहाँ पर बनाए हैं। इसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं ये हमको देखना है। तो देखिए ये संरचना आपके सामने दिख रहा है, क्या करते हैं जैसे ही हम कुंजी दबाते हैं इसमें धारा बहने लगती है और बिल्कुल मीटर ब्रिज के जैसे हम इस एसी पर संतुलन की अवस्था फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु J1 पर यानी तार के सिरे A के समीप,
स्पर्श कराकर देख लेते हैं धारामापी में विक्षेप को, और फिर हम सिरे C के समीप स्पर्श करा के धारामापी में विक्षेप को देख लेते हैं। अगर धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशाओं में आता है तो सेतु तो परिपथ कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिरे के समीप स्पर्श कराएंगे, तो जो यहाँ पर मान लीजिए इसके बीच का जो विभवांतर होता है A J1 के बीच का, वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, तो इस केस में धारा किसी एक दिशा में बहती है। और फिर A J2 पर अगर हमने स्पर्श कराया तो क्या होता है, उस A J2 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है। इस केस में धारा मापी में धारा पहले के विपरीत दिशा में, अर्थात एक बार सेल के धारा की प्रधानता होती है और एक बार बैटरी के धारा की प्रधानता और एक बार सेल के धारा की प्रधानता। तो इससे ये पता चलता है कि बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं आएगा। मान लेते हैं कि वह बिंदु जे है जहां पर स्पर्श कराने से धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, तो इस हम AJ भाग की लंबाई को क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो जो विभव मापी का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार E बराबर क्या हो जाता है, KL। K यहाँ पर क्या है, विभव परवर्ता है। L यहाँ पर उस भाग की लंबाई है जहाँ पर हमने संतुलन की अवस्था को प्राप्त किया था। तो ये हमारा AJ जो दिख रहा है वही क्या है, संतुलन की बिंदु की लंबाई है L। तो इस प्रकार हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को क्या कर सकते हैं, विभव मापी के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम ध्यान से देखें, विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता, सबसे पहले देखें सुग्राहिता का मतलब क्या है। सुग्राहिता का मतलब होता है कोई भी विभव मापी अगर सुग्राही है तो वो सूक्ष्मतम माप को शुद्धता पूर्वक मापेगी। अर्थात अगर कोई विभव मापी सूक्ष्मतम माप को शुद्धता पूर्वक मापता है तो उसको क्या कहते हैं, सुग्राही कहते हैं। तो विभव मापी की सुग्राहिता जो है वो विभव के सूक्ष्मतम माप से है। दूसरी भाषा में अगर हमको ये जांचना है कि विभव मापी सुग्राही है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, संतुलन की अवस्था से अगर हम थोड़ा भी इधर उधर विसर्पी कुंजी को करते हैं तो अगर धारा मापी में विक्षेप अति तीव्र होता है तो धारा मापी क्या होता है, विभव मापी क्या होता है, सुग्राही होता है। ऐसे देखिए यदि विभव मापी विभव के लिख लीजिए सूक्ष्मतम माप को शुद्धता पूर्वक मापती है तो विभव मापी को सुग्राही कहा जाता है, सुग्राहिता अधिक होती है। याद रखेंगे कि अगर विभव मापी किसी विभव को विभव के सूक्ष्मतम माप को पूरा शुद्धता पूर्वक माप देती है तो वो विभव मापी क्या होगी, सुग्राही होगी। और इसकी पहचान करने के लिए आपको बताया गया कि अगर विभव मापी के संतुलन की अवस्था में अगर विसर्पी कुंजी को थोड़ा भी इधर उधर खिसकाएं और उसके धारामापी में काफी तीव्र विक्षेप हो तो माना जाता है कि विभव मापी अधिक सुग्राही है। अब देखिए इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे हम विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। आपने देखा कि विभव मापी की सुग्राही, विभव मापी का जो काम है वो क्या है, विभव को मापना। ये टोटली डिपेंड करता है विभव परवर्ता पर। तो अगर
विभवमापी में विभव प्रवणता कम से कम होता है तो क्या होगा, विभवमापी अधिक सुग्राही होगा। अगर किसी विभवमापी की विभव प्रवणता कम है तो वह विभवमापी अधिक सुग्राही होता है। अब देखें कि कैसे हम कम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए k इक्वल टू मिलेगा v बाई l। अगर तार की लंबाई को बढ़ा दें तो विभव प्रवणता क्या होगा, कम हो जाएगा। तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े तार का प्रयोग करते हैं, यानी जितना लंबा हम तार लेंगे उतना ही विभवमापी क्या होगा, अधिक शुद्धता पूर्वक माप करेगा। ठीक है, तो ये था विभवमापी की सुग्राहिता और उसको बढ़ाने का उपाय। एक बार और सुन लें, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता कम से कम होना चाहिए, और विभव प्रवणता कम से कम हो इसके लिए विभवमापी में प्रयुक्त जो तार होता है उसकी लंबाई हम बढ़ा करके विभव प्रवणता को घटा सकते हैं, और जब विभव प्रवणता घटेगा तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ेगी। तो याद रखेंगे ये विभवमापी का सुग्राहिता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में इसका यूज करते हैं हम। सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए एक फार्मूला होता है, देखिए ऐसे E1 upon E2 equal to L1 upon L2। जो फिगर आपने देखा था उसी फिगर में L1 क्या है, पहले सेल जब पहला सेल परिपथ में लगा रहता है तो संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है जिस दूरी पर, वो दूरी L1 है, और दूसरा सेल जब हम उस परिपथ में लगाते हैं तो संतुलन की स्थिति जहां हम प्राप्त करते हैं वो दूरी है E2। तो अगर E1 E2 देखिए L1 L2 जो होता है मीटर पैमाने पर पढ़ा जा सकता है, अगर E1 E2 में से किसी एक का मान ज्ञात है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे सेल का मतलब E1 या E2 में से किसी एक का मान अगर हमको पता है तो हम दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखेंगे विभवमापी का उपयोग हम सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, और यहाँ पर तुलना करने में, और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। यानी विभवमापी का यूज हम लेग्रांजे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में भी करते हैं। बस कुछ करना नहीं होता है, ऐसे सेल का जो संतुलन बिंदु है वही प्राप्त कर लिया जाता है और उसके सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।